गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 8 की व्याकरण शिल्पी का 7वां अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है संज्ञा। बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़िए। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 में पश्चिमी बंगाल राज्य में जोरासांको नामक स्थान पर हुआ था। आप एक विश्व प्रसिद्ध कवि, लेखक, साहित्यकार एवं कलाकार थे। उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि पर उनको विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। बच्चों, आपने ये अनुच्छेद को पढ़ा और इसमें जो रंगीन जो शब्द हैं ये इस प्रकार से हैं। आपने देखा कि ये सभी शब्द किसी ना किसी इनके नाम का बोध करा रहे हैं, जिसे हम संज्ञा शब्द कहलाते हैं या कहते हैं। वास्तव में संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा दो शब्दांशों को मिलाकर बना है। सम का अर्थ है समय या ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव आदि का सम्यक ज्ञान ही संज्ञा कहलाता है। इससे बच्चों कहने का अभिप्राय है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बच्चों क्रमशः तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये इसके उदाहरण दिए गए हैं। भाववाचक संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, इसके भी ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी के कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। कौन कौन से हैं वे? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों के किसी पदार्थ, द्रव्य और धातु का बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये इनके उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये इसके उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना प्राय 5 प्रकार के शब्दों से होती है। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनामों से, विशेषणों से और क्रियाओं से। ये इस प्रकार से ये सारे उदाहरण के तहत दिए गए हैं आपको ये सारे बॉक्स में। तो इन्हें बच्चों एक बार से देखना और पढ़ना और याद करना। हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय तथा अगणनीय कई रूपों में भी हो सकते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, आपके ये कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।